Hi guys, Welcome to Crazy. clowns. So hope everyone is doing well. So in the second video of this Azure playlist, we are going to talk about the types of cloud services or what all services the cloud has to offer us, right? So let's dive into the content now. So we will not talk about exactly what all different services cloud offers. Instead, we will talk about what type of services are there. So we will try to discuss the differentiation between them. तीन टाइप का सर्विसेज होता है, तो एक टाइप का उसको क्यों बोलते हैं वैसा, और सेकंड टाइप का उसको क्यों बोलते हैं वैसा, इस तरीके से हम लोग बात करेंगे. ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर वी आर गोइंग टू शो आवर व्यूअर्स अ वीडियो नॉट अ वीडियो प्रोबेबली वी आर गोइंग टू शो आवर व्यूअर्स द प्रेजेंटेशन स्लाइड वेयर इन वी हैव सम सॉर्ट ऑफ एन इमेज और द डायग्राम थ्रू विच दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड तो हमने जब कल बात किया था, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट दिस यस्टरडे, वी टॉक्ड अबाउट व्हाट वाज देयर बिफोर एग्जिस्टिंग, व्हेन वी वर मेंटेनिंग, और वी इन द सेंस द कस्टमर्स वर मेंटेनिंग, कंपनीज वर मेंटेनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एट देयर एंड इन देयर ऑफिस ऑफिस प्रमाइस, दे वर कीपिंग सर्वर्स, राइट? एंड देन वी टॉक्ड अबाउट हाउ दिस क्लाउड केम इन टू पिक्चर. सो इफ यू सी टुवर्ड्स द लेफ्ट मोस्ट area, the left most area, if you see this one, this is जो पहले होता था, जो पहले बात करते थे हम. ऑन प्रेमिसेस की बात कर रहे हाँ, हैं ना इसको जहाँ बोलते पे इसको बोलते थे ऑन प्रेमिस. ओके तो इसमें जितना ब्लू में है वो बता रहा है कि ये सब चीज आपको ही मैनेज करना होता था, राइट? फ्रॉम नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्क स्टेशन, ओएस, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशंस, एवरीथिंग, सब कुछ हमको मेंटेन करना पड़ता था. इसके लिए इसको ऑन प्रमिस, इसका नाम ऑन प्रमिस था, ऑन प्रमाइस. आप कुछ भी बोल सकते हैं, ऑन प्रमिस, ऑन प्रमाइस, बट ये इसमें सब कुछ हम मैनेज करते थे. और इसी वजह से हमने बात किया था कल कि कॉस्ट बहुत वेरिएबल आता था, बहुत बार ऐसा होता था वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होता था, बिकॉज हमने सब कुछ प्रोक्योर कर लिया, परचेज कर लिया, अब यूज़ में नहीं है, ज़रूरत नहीं है, या अपग्रेड करना पड़ा तो क्या करेंगे, व्हाट विल डू, राइट? अच्छा तो जब ये क्लाउड आया मार्केट में हाँ तो ऐसा जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऑफर करता है जैसे IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हाँ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड हाँ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या क्या ऑफर करता है मेरा प्लान है, मैं उल्टा बताता हूँ ओके आपको. पहले सास बताऊंगा ओके चलिए सॉफ्टवेयर सर्विस क्या होता चलिए सास के बारे में है. जानते हैं हाँ, सॉफ्टवेयर सर्विस, बिकॉज ये सबसे आसान है समझने में और आप लोग तुरंत समझ जाएंगे. सॉफ्टवेयर सर्विस क्या होता है, ये हम लोग एवरीडे लाइफ में भी हम इसको यूज़ करते हैं. एवरीडे लाइफ में इतना इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ है इसका, बट हम रियलाइज़ नहीं करते हैं. हाँ फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग का ईमेल आईडी होगा जीमेल पे, आउटलुक पे, लाइव, हॉटमेल, क्या है ये सॉफ्टवेयर यस सर्विस में आता है. Office 365 है यस ना यस, ये सॉफ्टवेयर सर्विस में आता है, बिकॉज इसमें आप क्या करते हो, इसमें आपको कोई कोड डिप्लॉयमेंट नहीं है, कोई डेटा नहीं है आपका, ओनली कम क्रिएट योर अकाउंट, डू सम कॉन्फ़िगरेशन एंड वर्क एंड मे बी इफ यू वॉन्ट टू यूज फॉर एंटरप्राइज पर्पज आप अपना सब्सक्रिप्शन लें है इट. ना हाँ, वो एंड स्टार्ट सब यूजिंग इट दैट इज अगेन कॉन्फ़िगरेशन पार्ट. ओके तो क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ आके अपना अकाउंट बनाना है, प्राइसिंग टियर लेना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, बस पूरा सर्विस बना हुआ है. ठीक है, आपका जीमेल बाकी के सबके जीमेल के पास जैसे ही दिखेगा, थोड़ा बहुत यूआई आप चेंज कर लोगे, कस्टमाइज कर लोगे, बट इट इट इट्स गोना बी सेम, ओके क्योंकि वो बना के रखा हुआ है, वो सॉफ्टवेयर का सर्विस है. ओके और तो सर्विस इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज अभी तो फ्री मिलती है, फॉर एग्जाम्पल जीमेल आउटलुक फ्री मिलता है क्योंकि दे वॉन्ट टू प्रमोट, बट उसमें भी आप देखोगे तो जैसे आपके वन ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव होगा, ये भी सॉफ्टवेयर सर्विस है. सो इन सब का पैसा भी देना पड़ता है, शुरू में फ्री है, उसके बाद आपको पैसा देना पड़ता है, यस राइट? तो चलिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बाद हम चलते हैं अपना प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के बारे में कि ये क्या है प्लेटफॉर्म एज अ हाँ, सर्विस तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है, क्लाउड के कॉन्टेक्स्ट में आप बोलते हो, क्लाउड बोलता है कि पूरा प्लेटफॉर्म दूंगा मैं आपको, बस प्लेटफॉर्म दूंगा. प्लेटफॉर्म मतलब
आपका जो जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप में आपको सब कुछ मिलेगा। जब आपका लैपटॉप रेडी हो जाता है, जब आपको कंपनी देती है ना लैपटॉप, सब कुछ होता है उसमें। आपको क्या करना होता है, आपको कोडिंग करनी होती है, करेक्ट? कोडिंग करनी है, कोडिंग में यूआई बैकएंड एवरीथिंग, और उसके बाद डेटा प्रोड्यूस करना होता है आपको, है ना? तो डेटा में आपको क्वेरी लिखना, वो सब करना है आपको, डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, क्वेरी लिखना है, ये काम आपका होता है। सेम चीज़ यही प्लेटफॉर्म सर्विस है, जहाँ पे आपको, अच्छा आप देखोगे तो लैपटॉप में आपको नेटवर्क वही सेटअप करके देखते हैं कंपनी वाले, राइट? आपका उसमें डिस्क लगा हुआ है, सिक्योरिटी है ना? अगर आपका ये खराब हो जाता है लैपटॉप, तो वो चेंज करके देते हैं, एग्जैक्टली वो सेम स्टेट में देते हैं, करेक्ट? सो क्या होता है, ये आपका, दिस इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ जो रेड वाला पार्ट है ना, या इट्स रिटन लाइक मैनेज्ड बाय वेंडर, है ना? तो इस केस में ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया, राइट? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ये मैनेज कर रहा है जो भी, अपना। हाँ अगर हमारा एजर क्लाउड की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया, दूसरे क्लाउड की बात करें तो दूसरी कंपनी हो गई, ठीक है? ये सब कुछ देखें आप, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ओएस, मिडलवेयर, रन टाइम, सब कुछ देता है। आपको अपना डेटा लाना है, एप्लीकेशन लाना है, कॉन्फ़िगरेशन रखना, ख़त्म। और आपका बस आपको एप्लीकेशन ला के चलानी है। तो जैसे कि आप आजकल वेबसाइट देखते हैं, बहुत सारी वेबसाइट लॉन्च होती है तुरंत, मोस्ट ऑफ द वो जो वेबसाइट होती है ना, वो पैस पे आती हैं। सो ये भी कह सकता हूँ मैं कि ये मोस्ट वन ऑफ दी हैवीली यूज्ड टाइप की सर्विस है ना, क्लाउड सर्विस, हाँ राइट। राइट? एक्चुअली क्या है, इन सबके अलग अलग ऑडियंस हैं। जैसे कि पैस है, पैस का ऑडियंस क्या है, मोस्टली मोस्टली स्टार्टअप्स होते हैं। स्टार्टअप्स बहुत फ्रीक्वेंटली पैस करते हैं, बिकॉज उनको क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है प्रोक्योर करने में, ये हा रैम वो सब, वो क्या फटाफट पैस ऑफरिंग लिया, क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लिया, पैस ऑफरिंग लिया, अपना एप्लीकेशन डाली, चलाया यस, फटाफट। दैट्स व्हाट दे नीड। हाँ, हाँ, चलिए अब थर्ड सर्विस के बारे में बात करते हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर या हाँ सर्विस थर्ड है। आने पे मैं एक बात बोलता हूँ आपको, कि ये जो पैस है, इसमें आप देखोगे तो रन टाइम, मिडलवेयर, ओएस, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सब मैनेज बाय क्लाउड है, आपको बना बनाया मिलता है। ऑल दो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि आप इतना पावर का सिस्टम ले लो, प्लेटफॉर्म सर्विस ले लो, इतना पावर का ले हाँ, लो, वो बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो उसके एक बारे में हम लेवल, लोग डिटेल में भी बात करेंगे आगे जाके, यस हम डेफिनेटली। करेंगे। लेकिन यहाँ पर उसकी थोड़ी लिमिटेशन होती है, आप बड़ा कम कर सकते हो बट उतना इजीली नहीं कर सकते हो जितना आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑन प्रमाइस में। ऑन प्रमाइस फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट? आपके पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कि पैस में कम हो जाती है, और सैस में तो होती नहीं है। वो तो सब कुछ बनाया मैंने, आपको अकाउंट बनाना है और आपको यूज़ करना है, तो सैस में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पैस में फ्लेक्सिबिलिटी है, और आईएएस जो थर्ड आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चलिए थोड़ा सा है। बात करते हैं आईएएस में डिफरेंस क्या हाँ, है। आईएएस आपका, आप समझ लो जैसे मैंने अभी लैपटॉप का एग्जांपल लिया, ये लैपटॉप आपके कंपनी में, किसी कंपनी में कौन मैनेज करता है, वहाँ की आईटी टीम। तो जब वो लैपटॉप उनको, उनके पास क्या होता है, उनके पास लैपटॉप जो है, उनको नेटवर्क मिलता है, कंपनी का नेटवर्क सेटअप है, उन जो लैपटॉप रेडी कर रहा हूँ उनके लिए, कंपनी का नेटवर्क सेटअप है, वर्चुअलाइजेशन ऑलरेडी इनेबल्ड है, हाइपर वी फॉर एग्जाम्पल, और बाकी स्टोरेज वगैरह लैपटॉप में आया है, उनको इसके ऊपर क्या रेडी करना है, अगर उनको पैच बना के देना है तो ओएस, मिडलवेयर, रन टाइम, ये डाल के दे देना है आपको, और आपका पैस रेडी हो जाएगा। लेकिन हम बात आईएएस की कर रहे हैं, तो आईएएस में जो कंपनी होती है क्लाउड प्रोवाइडर, वो आपको इतना देती है, क्या देगी, आपको एक वर्चुअल मशीन दे देगी, उसके ऊपर इतनी चीज़ आप सेटअप कर सकते हो फटाफट, बाकी सब चीज़ आपको लेके आनी पड़ेगी। ओएस लेके आना मतलब ओएस का पैसा आप दोगे, मिडलवेयर का पैसा आप दो, रन टाइम आप जहाँ से आपको जो चाहिए आप वो इंस्टॉल करो, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन अपना करो, ठीक है? स्टोरेज, सर्वर, नेटवर्किंग, ये सब आपको मिलेगा। इट्स लाइक अ प्लेन मेटल मशीन है ना, हाँ, प्लेन जिसमें नेटवर्किंग रहेगी, स्टोरेज बेयर मेटल सब बोलते हैं रहेगा। उसको। हाँ तो इसमें क्या थोड़ा ओवरहेड मैं देख रहा हूँ ना आईएएस में, हाँ क्या कि थोड़ा ओवरहेड है कि आपको, जैसे जैसे आप सैस से आईएएस की तरफ जाएंगे, आपके सर पे ओवरहेड ज्यादा आएगा, और आपको आपको बट सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी, आपको रोटेट करनी पड़ेगी यस कीज वगैरह जो भी है, एंटीवायरस ये यस सब ना आईएएस यस में, यस जो कि यस आपको पैस और सैस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमारी सिक्योरिटी है हाँ वो ना, वो हाँ अवेलेबिलिटी। वो क्लाउड प्रोवाइडर खुद करता है उसकी। बट फिर भी है, थोड़ी है, ऐसा नहीं है। पैस में आपको वर्चुअल नेटवर्क में डालना होता है, आप डाल सकते हो, सैस में भी डाल सकते हो आप, तो कि बाकी बाहर से एक्सेस ना हो, थोड़ी थोड़ी रहती है, बट
बट हाँ टाइम मैनेजमेंट होता है उन चीज़ों का आपके सर ओके पे, है ओके हाँ, ना। तो आई होप हमारे व्यूवर्स को आज ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक चीज़ मेरे को बोलना है कि ये जो जो पैस है और जो सास हैं ये बहुत यूज़ होते हैं एवरीडे लाइफ में, हमको पता भी नहीं चलता है। आईएएस कम यूज़ होता है, आईएएस लगता है कम यूज़ हो रहा है, माइंड इट लगता है बट होता नहीं है। एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी सर्विस बेस्ट रहेगी। अगर कोई बोलता है नहीं मेरे को अपना ईमेल बनाना है, तो क्यों बनाना है, यूज़ कर लो ना, बना बनाया सास ऑफरिंग है यूज़ कर लो। कोई बोलता है अच्छा नहीं मेरे को एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है लेकिन मेरे पास मशीन नहीं है, मेरा फोकस एप्लीकेशन के ऊपर है बस, फ्री मशीन खरीदनी पड़ रही है, मत करो पैसा ऑफरिंग है आ जाओ फटाफट प्लान ना ले लो सिर्फ कोड फोकस करो। कोई बोलता नहीं मेरी एप्लीकेशन बहुत हैवी है, वो पैस पे जो जो मिलता है मेरे को कैपेसिटी, पैस पे भी एक देर आर ऑप्शन ऑन पैस बट उसके भी लिमिट होता है ना। अगर उसके भी ज़्यादा चाहिए मेरे को तो मेरे को वीएम चाहिए, तो मेरे को चाहिए ये आईएएस ऑफरिंग। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एप्लीकेशन ये सर्विस डिसाइड होती है। हाँ तो ऐसा जैसे नहीं कि पैस ज़्यादा यूज़ है सैस ज़्यादा यूज़ है, हाँ पैस का नाम बहुत हो गया है एंड आईएएस में जो रहता है जो वीएम मिलती है आपको वो आज से नहीं है, वो ज़माने से है, वो तो वो सॉल्यूशन ज़माने से है। हर हर किसी के अपने, मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि बेनिफिट्स हैं अपने अपने, है ना। यस आप अपनी यस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी कॉल लें कि आपको क्या यूज़ करना है। राइट आपको आईएएस में ज़्यादा कस्टमाइजेशन करने को मिलेगा, है ना। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं चीज़ें। एब्सोल्युटली। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लाने वाले हैं? द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑल अबाउट दी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, बेसिकली हम बात करेंगे क्लाउड भी कितने टाइप का होता है, ये क्लाउड सर्विसेज बात करी हमने हमने हम बात करेंगे क्लाउड कितने टाइप का होता है। बट जाने से पहले हम एक रिक्वेस्ट करेंगे जो हम हमेशा करते हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज गाइज सपोर्ट अस बाई यस सब्सक्राइबिंग, बिकॉज यस वी जी हाँ, आर दिस इज स्पेंडिंग द लॉट ऑफ टाइम। वे यू कैन सपोर्ट अस एंड इट्स नॉट गोना टेक मच ऑफ योर टाइम मच ऑफ योर एफर्ट, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके थैंक यू थैंक्स फॉर गाइज। वॉचिंग, या सी यू लेटर।